मुख्यमंत्री जी ने आज ओडीओपी के उत्पाद जीआई पेवेलियन और लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन तीनों चीजों को देखा जो 28 स्टॉल यहाँ पे लगे हुए थे और बहुत गहराई के साथ में उन्होंने जीआई उत्पादों को जानने की समझने की और उसको आगे बढ़ाने की बात किया। बनारस और पूर्वांचल के 20 लाख से अधिक बुनकरों शिल्पियों के लिए हमें लग रहा है उनके भाग्य को बदलने का शायद बहुत बड़ा अवसर है, जबकि आज की तारीख में 20 लाख शिल्पियों से 20,500 करोड़ का कारोबार होता है। उन्होंने जीआई के स्टॉल पे कुंभ के लोगों को, ओडीओपी, प्रवासी भारतीय दिवस और नेशनल जीआई लोगों को बड़ी बारीकी से देखा। प्रधानमंत्री जी ने बात तो कम किया है, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को इतना ध्यान से देखा और निहार करके देखा, बोला ये कैसे बनता है, उसको बनाने के बारे में जानकारी और समस्याओं के बारे में पूछा, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। अपने चुनावी क्षेत्र के शहरवासियों को लगभग 300 करोड़ की सौगात देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट की ओर रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कार्यक्रम में शिरकत करके एक ऐसा बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है जिसको लेकर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी वाहवाही बटोरती आ रही है, बुनकरों और शिल्पकारों को चाक देने का मुद्दा। आज प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि बुनकरों और शिल्पकारों को चाक देने के साथ साथ यहाँ पर 25,000 पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग सेवा भी शुरू कर दी गई है जिससे एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। प्रधानमंत्री का कहना यह है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी इंटरनेट सुविधा का भी इस्तेमाल किया गया है। इन्हीं सब मुद्दों को यहां आकर के उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और बुनकरों और शिल्पकारों के सामने रखकर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगातें काशीवासियों को तोहफे में देकर रवाना हो चुके हैं। अर्णव द्विवेदी, ईटीवी, वाराणसी।